back to my channel. So today I share this beautiful glam look for Diwali. So let's start the video. So I started with Aroma Magic Moringa Skin Toner. ये toner काफ़ी अच्छा है for dry skin. तो अच्छे से मैं toner को apply करूँगी अपने face पर. और ये बहुत ज़रूरी होता है कि makeup करने से पहले skin को अच्छे से hydrate करें. नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ पॉन्स का लाइट मॉइस्चराइज़र विथ विटामिन ई एंड ग्लिसरीन. और ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मॉइस्चराइज़र है और काफ़ी अफोर्डेबल भी है. और ये ऑल स्किन टाइप है. और अब मैं अच्छे से मॉइस्चराइज़र को अपने फेस पर अप्लाई करूँगी. नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का फ्लॉलेस मेकअप बेस प्राइमर. और अब मैं प्राइमर को अपने फेस पर लगाऊंगी. और प्राइमर लगाने से एक स्मूथ बेस मिलता है फाउंडेशन लगाने के लिए और साथ ही हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करता है. और आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी प्राइमर यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मी का इनविजिबल फिनिश फाउंडेशन जिसमें मेरा शेड है 04. और अब मैं फाउंडेशन को अपने फेस पर लगाऊँगी लाइक दिस. उसके बाद डैम ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड करूँगी. आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग फाउंडेशन का यूज़ करें. नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ हिलेरी रोडा का लिक्विड कंसीलर जिसमें मेरा शेड है 02. और अब मैं अच्छे से कंसीलर को अपने फेस पर लगाऊंगी. ये कंसीलर काफ़ी अच्छा है. और अगर आप एक बिगिनर हैं और सोच रहे हैं कम प्राइस में अच्छा कंसीलर लेने का तो मैं आपको ये कंसीलर रिकमेंड करूँगी. नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ किस ब्यूटी का कॉन्टोर 3D ब्लाम विथ शेड 03. और अब मैं कॉन्टोर करूँगी फेस को एक शेप देने के लिए. जो बिगिनर्स होते हैं वो समझ नहीं पाते हैं कि कितना डार्क कॉन्टोर सेट लेना चाहिए तो अक्सर गलत सेट ले लेते हैं. इसीलिए जब भी आप कॉन्टोर ले तो अपने स्किन कलर से 2 सेट डार्क ले, इससे एक नेचुरल लुक आएगा. तो मैंने फेस को कॉन्टोर कर लिया है और अब मैं सेटिंग स्प्रे को ब्यूटी ब्लेंडर पर अप्लाई करूँगी और उसे अपने पूरे फेस पर टैप टैप करूँगी ताकि अभी तक जो भी लगाया है वो अच्छे से सेट हो जाए. और ऐसा करने से मेकअप स्वेट प्रूफ बनता है. नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मी का रोज़ पाउडर विथ सनस्क्रीन शेड वार्म पिंक. और अब मैं अच्छे से कंसीलर को सेट करूँगी. और सेट करने से पहले देख लेना कहीं पर क्रीज ना रहे, और अगर क्रीज है तो उसे अच्छे से ब्लेंड कर लें. नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ SFR कलर का प्योर कलर ब्लशर विथ शेड 09. और अब मैं अपने चिक्स पर ब्लश को लगाऊंगी लाइक दिस. और आप यकीन नहीं करोगे कि ये सिर्फ 100 रुपीज़ का ब्लश है और इस प्राइस में ये ब्लश पूरा पैसा वसूल है. नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ हुडा ब्यूटी का द मैट मेकअप फिक्सर. मैं फिर से मेकअप फिक्सर का यूज़ कर रही हूँ और इसे अब मैं अपने फेस पर अप्लाई करूँगी ताकि मेरा मेकअप अच्छे से सेट हो जाए और साथ ही स्वेट प्रूफ और लॉन्ग लास्टिंग बने. नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ मिस ADS का हाइलाइटर पैलेट. और अब मैं अपने फेस को हाईलाइट करूँगी लाइक दिस. ये हाइलाइटर पैलेट बहुत अच्छा है इन दिस प्राइस और इसका पिगमेंटेशन भी काफ़ी अच्छा है. सो आई रिकमेंडेड दिस. नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ मार्स का 4 Color 2 आईब्रो पैलेट. और अब मैं अपने आईब्रोज को अच्छे से सेट करूँगी. और ये पैलेट मैंने लिया था फ्लिपकार्ट से. और मैं जितने भी प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ उन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. आप लोग चाहे तो वहाँ से भी जाके चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ हुडा ब्यूटी का द डेजर्ट डस्ट आई शैडो पैलेट. और इससे मैं ये ब्राउन कलर पिक कर रही हूँ और उसे अपने क्रीज पर अप्लाई करूँगी एंड ऑल्सो इसे आईलिड तक लेके टू गिव डेफिनेशन टू माई क्रीज. नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का 2X इंस्टेंट ट्रू ब्लू काजल. इसे लेकर मैं अपने आईज के ऊपर लगाऊंगी एंड हाफ वे तक जाऊंगी. और मैं इसे क्रीज तक नहीं लगाऊंगी क्योंकि मुझे इसको ब्लेंड भी करना है इसके बाद. एंड यू कैन चेंज दिस कलर अकॉर्डिंग टू यूअर साड़ी और कुर्ता एंड वट एवर यू वेयर. और अब मैं ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ. आप चाहे तो अपने फिंगर का भी यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद मैं काजल को फिर से अप्लाई कर रही हूँ ताकि और परमानेंट एंड ब्राइट लगे. मैंने सेम काजल को लोअर लैश लाइन पर लगाई हूँ. मैंने काजल को सिर्फ 1/3 तक ही लगाई हूँ, पूरा अप्लाई नहीं की हूँ. उसके बाद मैंने लैक्मी का इंस्टा लाइनर यूज़ किया है और उससे एक स्मॉल विंग लाइनर क्रिएट किया है. नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का लैश ट्विस्ट कर्लिंग मस्कारा एंड इट्स ए नाइस डिसेंट मस्कारा. और इसे मैंने लोकल मार्केट से लिया था
और आई लव दिस मस्कारा, और ये बहुत अच्छा वॉल्यूम देता है। एंड इफ यू आर ए बिगिनर और टीनेजर, सो आई रिकमेंडेड दिस मस्कारा। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ एडीएस का लिप लाइनर विद से 29 एंड इट्स ए ब्राउन कलर। और अब मैं इससे अपने लिप्स पर अच्छे से लाइन ड्रॉ करूँगी ताकि मेरे लिप्स थोड़ा सा पाउटी लगे। एंड लास्ट आई यूज दिस LA 18 का कलर पॉप्स मैट लिपस्टिक इन द सेट C27, वन ऑफ द माई फेवरेट लिपस्टिक। एंड आई अप्लाइंग इट, यू कैन सी द ब्यूटिफुल कलर लिटरली कॉम्प्लीमेंट दिस आई लुक। एंड दिस इज द फाइनल लुक, और इस लुक को मैंने कम्प्लीट किया है दिस ब्यूटिफुल ब्लू सिल्क साड़ी, और इस पर गोल्डन कलर का वर्क किया हुआ है। एंड आई एम वेयरिंग सम ऑक्सीडाइज ज्वेलरी, एंड यू कैन वेयर वट एवर यू वॉन्ट, एंड यू कैन स्किप दिस पार्ट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने जो पहना है वही आपको पहनना है। यू कैन वेयर दिस लुक विथ एनी आउटफिट, एनी ज्वेलरी, इट्स योर चॉइस। तो ये था मेरा आज का वीडियो, एंड आई होप यू एंजॉय वॉचिंग दिस वीडियो। सो स्टे कनेक्टेड फॉर मोर अपडेट्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय बाय।